आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात उस खबर की जिसने उत्तर प्रदेश का सियासी पारा गर्म कर दिया है, क्योंकि कानपुर देहात के मंडोली में हुए अग्निकांड पर सियासत उबाल मार रही है। सवाल सिस्टम पर है जो कटघरे में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वही बात करेंगे 2024 से पहले जयंत के उस ऐलान की जिसने गठबंधन के रंग को न सिर्फ गाढ़ा कर दिया है बल्कि पश्चिम से भाजपा की बड़ी घेराबंदी कर दी है। साथ ही साथ बात करेंगे राजभर की अखिलेश पर उस हमले की भी जिसने सपा में खलबली मचा दी है। वही बात होगी राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे की जिसे लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब होगा विश्लेषण। अखिलेश के साथ रहेंगे जयंत, 24 में होगी बड़ी भिड़ंत। 2024 में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं क्योंकि अब जयंत चौधरी ने गठबंधन को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं और ऐलान कर दिया है कि वो 24 की लड़ाई अखिलेश यादव के साथ मिलकर ही लड़ेंगे। उनके साथ इस गठबंधन में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर भी होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जयंत और अखिलेश मिलकर 24 की पिच पर भाजपा को टक्कर दे पाएंगे। क्या अखिलेश यादव ने अपनी गठबंधन की टीम लॉक कर दी है? क्या जयंत उनकी दोस्त जय वीरू की तरह पक्की है? क्योंकि अभी 9 फरवरी को गाजीपुर की धरती से अखिलेश ने कहा था कि वो आगे किसी के साथ कोई नया गठबंधन नहीं करेंगे, जो उनके साथ है उन्हीं के साथ मिलकर 24 का चुनाव लड़ेंगे। और जो कुछ कर सकते थे त्याग गठबंधन बनाने में, हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था। लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी और जो साथी साथ है उन्हें लेके चलेंगे। बस कोई नया गठबंधन नहीं, कोई राजनीति में एक्सपेरिमेंट नहीं। अब अखिलेश यादव के बाद जयंत चौधरी ने भी ऐलान कर दिया कि वो अखिलेश के साथ रहेंगे और मिलकर 24 की लड़ाई लड़ेंगे। ये चुनाव भी गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। हमने एक समन्वय समिति बनाई है जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बात कर रही है। जयंत के ऐलान ने सपा और रालोद के गठबंधन के रंग को न सिर्फ गाढ़ा कर दिया है बल्कि ये भी साफ कर दिया कि इस गठबंधन में चंद्रशेखर भी होंगे। साथ ही हाल के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी हमारा भरपूर सहयोग दिया, उनके लोगों से भी हम नेताओं से बातचीत की। गौरतलब है कि चंद्रशेखर ने खतौली के उपचुनाव में मदन भैया का समर्थन किया था, जिससे दलित मोर्चे पर सपा रालोद की ताकत बढ़ गई थी। अब सपा और रालोद की कोशिश चंद्रशेखर को साथ रखकर दलित वोट को अपने साथ जोड़ने की है, क्योंकि चंद्रशेखर का ग्राफ उनके समर्थकों में लगातार बढ़ता जा रहा है। जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसमें अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी शामिल रहेगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन साफ तौर पर ये जरूर कही है कि जितनी भी सीटें हैं, यानी कि 80 सीट जितनी है, उनमें जब गठबंधन होता है तो तमाम सारी पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, यानी कि 80 की 80 सीटों पर हमारा गठबंधन रहेगा और जो सीटें जयंत चौधरी के खाते में आएंगे उस पर चुनाव लड़ने का कार्य किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर मायावती को रिप्लेस कर पाएंगे? वही एक सवाल इस बात का है कि क्या जयंत पूरे पश्चिम को साथ पाएंगे, क्योंकि यूपी का सियासी मिजाज पश्चिमी यूपी से ही तय होता है। इसी पश्चिम को साध कर भाजपा 2 बार यूपी से दिल्ली तक का सफर तय कर चुकी है, लेकिन अब जयंत अखिलेश और चंद्रशेखर की तिकड़ी के दम पर भाजपा को चुनौती देने की तैयारी की जा रही, लेकिन इस फॉर्मूले में कितना दम है इसका फैसला 2024 में ही हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन से भी खूब हवा बनी थी,
लेकिन इसके बाद भी भाजपा ने यूपी की 64 सीट पर कमल खिला दिया। और बड़ी बात यह है कि जिस गठबंधन के दम पर जयंत और अखिलेश भाजपा को टक्कर देने की बात कर रहे हैं, उनका लोकसभा में मौजूदा स्कोर 0-3 का है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे की जो रद्द तो हो गया, लेकिन सियासत को गर्म कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी को आज प्रयागराज आना था, जहां उन्हें कमला नेहरू ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन राहुल गांधी आते उससे पहले ही उनका ये दौरा रद्द हो गया। अब दौरा रद्द होने पर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है और राहुल गांधी के विमान को वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं होने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस के आरोप के बाद वाराणसी एयरपोर्ट का भी जवाब आया है, जिसने कांग्रेस की थ्योरी को खारिज कर दिया है। राहुल को किसने रोका, सियासत का लैंडिंग ड्रामा। राहुल से राजनीतिक बदला, कांग्रेस ने बोला हमला। सरकार के दबाव में और राष्ट्रपति का हवाला देकर इन्होंने की जहाज उतरने की परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रयागराज दौरा रद्द होने के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि राहुल गांधी को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचना था, लेकिन वो आते उससे पहले ही उनका दौरा रद्द हो गया। अब इसी रद्द हुए दौरे को लेकर कांग्रेस नेता अजय राय ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि भाजपा राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है और उसी के कहने पर वाराणसी एयरपोर्ट ने राहुल के विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद राहुल गांधी का विमान दिल्ली चला गया। राहुल जी का कार्यक्रम आज वो केरल से बनारस आने वाले थे और बनारस में यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके और उनको फिर आगे प्रयागराज जाना था, प्रयागराज में उनका कार्यक्रम था, पर आज ये यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरी तरीके से सरकार के दबाव में और राष्ट्रपति का हवाला देकर इन्होंने उनकी जहाज उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कराया। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को वायनाड से सोमवार की रात प्रयागराज पहुंचना था, रात 10:30 बजे उन्हें वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचना था, वहां से सड़क मार्ग से प्रयागराज जाने का कार्यक्रम था, लेकिन राहुल गांधी वायनाड से सीधे दिल्ली चले गए। अब राहुल गांधी के इसी रद्द हुए दौरे को लेकर कांग्रेस ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि वाराणसी एयरपोर्ट ने राहुल के विमान को उतरने की इजाजत ही नहीं दी, जिसके बाद राहुल गांधी का विमान दिल्ली चला गया। अब कांग्रेस के इस हमले के बाद वाराणसी एयरपोर्ट की तरफ से जवाब आया है। वाराणसी हवाई अड्डे के निदेशक आर्यमा सान्याल ने कांग्रेस के आरोप को न सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि यहां तक कह दिया कि राहुल के आने की कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंची थी। 13 फरवरी 2023 को हमें 9:12 को व्हाट्सएप के जरिए और 9:16 पर ईमेल के जरिए सूचना मिली कि माननीय सांसद जी राहुल गांधी जी का जहाज जो बनारस आने वाला थी वो कैंसिल हो गया। ये सूचना हमको ऑपरेटर द्वारा एआर एयरवेज जो ऑपरेटर है उन्होंने प्रदान की। अब कांग्रेस और वाराणसी एयरपोर्ट में कौन सच बोल रहा है, ये बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरह से वाराणसी एयरपोर्ट का जवाब आया है उसे देख भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। कौन किसको रोक रहा है भाई, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी जी पूरे देश में भी यात्रा किए हैं, किसी ने रोका उनको? ये जम्मू कश्मीर में जहाँ खुद तब उनकी शासन थी, सरकार थी, तब नहीं जा पाते थे, आज हमारी सरकार है तो वो जम्मू कश्मीर में भी गए, खुलेआम घूमे, तो बनारस में कौन रोक लेगा, ये तो बेवजह की बात। राहुल गांधी प्लेन लेकर खुद वाराणसी नहीं पहुंचे या फिर उनके जहाज को बनारस के एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया गया, हकीकत कुछ भी हो, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर सियासी निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। बहरहाल राहुल गांधी अब किसी और दिन प्रयागराज आने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के जिस दौरे को लेकर कांग्रेस एयरपोर्ट अथॉरिटी और भाजपा के बीच जुबानी जंग चल रही, वो निजी दौरा था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद ये राहुल का पहला यूपी दौरा होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात क्या पाला बदल लेंगे सपा के सिपाही, राजभर के दावे के बाद सियासत हाई, क्योंकि सपा में छिड़े मानस संग्राम के बीच ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा करके सपा की टेंशन बढ़ा दी है। राजभर ने दावा किया है कि सपा के राकेश प्रताप सिंह और दारा सिंह चौहान पाला बदल सकते हैं। राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राजभर के इस दावे में दम है या फिर राजभर और शशि प्रताप के बीच हुई मुलाकात का बदला है।
राजभर का अखिलेश पर अटैक, क्या गिरेगी सपा की विकेट? क्या पाला बदल लेंगे सपा के सिपाही? राजभर के दावे पर सियासत हाई। जब से ओम प्रकाश राजभर सपा का दामन छोड़कर गए हैं, अखिलेश यादव पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मौका कोई हो, अखिलेश पर निशाना साध ही देते हैं। लेकिन जब राजभर ने सपा की रेड ब्रिगेड के बारे में ऐसा दावा किया कि सपा की प्रदेश कार्यकारिणी के ऐलान से पहले भूचाल आ सकता है, क्योंकि राजभर ने सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और भाजपा से आए दारा सिंह चौहान की पाला बदलने की बात कह दी, तो आप भी देख रहे हैं कि जो फिगर आ रहे हैं क्या होने वाला है, वो तो समय हमने करीब एक महीना लगभग पहले बता दिया है कि बहुत से लोग पाला बदलने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर यहीं नहीं रुके, उन्होंने रामचरितमानस पर स्वामी के यूटर्न पर पहले उन्हें दल बदलू बताया और फिर उनके भी भाजपा के संपर्क में होने की बात कह दी। देखिए, ये दल बदलू नेता लोग हैं, ये कभी बसपा में, कभी सपा में, आज अभी भाजपा में, सपा में, अब फिर दाव लगाने के चक्कर में होंगे। जिस चौपाई की बात कह रहे हैं, आज प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं, बसपा की सत्ता चार बार रही तो बसपा की सत्ता जाते जब देखा तो रामम शरणम गच्छामि। गौरतलब है कि जब से सपा और सुभाषपा का तलाक हुआ है, राजभर और अखिलेश के बीच कोल्ड वार छिड़ गया है, क्योंकि जब अखिलेश काशी पहुंचे थे तो राजभर के बागी शशि प्रताप सिंह से मुलाकात की थी। और अब ओम प्रकाश राजभर का ये बयान क्या उस मुलाकात पर पलटवार करने के लिए दिया गया है, या फिर इन दावों में वाकई कोई दम है? ओम प्रकाश राजभर ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से राकेश प्रताप सिंह ने हाल के दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो बयान दिया था, कहीं ना कहीं उस बयान के आधार पर ओम प्रकाश राजभर पाला बदलने की बात कह रहे हैं। वहीं दारा सिंह चौहान के यहाँ जब वैवाहिक कार्यक्रम था तो उसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री और खुद ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। इसे लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारों इशारों में कई सारी चीजें कह दी। लेकिन जब से सपा में मानस वाला विवाद शुरू हुआ है, सपा दो खेमों में बंट गई है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके लोग हैं, तो दूसरी तरफ राकेश प्रताप सिंह और उनके जैसे लोग, जिन्हें लगता है कि स्वामी मानस पर बोलकर ब्राह्मण और सनातनी धर्म का अपमान कर रहे हैं। वो दुदमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित न किया जाए धर्म के नाम पर, इसलिए तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के वो हिस्से संशोधित किए जाएं या प्रतिबंधित किए जाएं। पहले स्वामी प्रसाद जी ये सिद्ध करें कि वो हिंदू हैं कि बौद्धिष्ट हैं। अगर वो बौद्धिष्ट हैं तो हिंदू धर्म में, हिंदू पंथ में क्या चल रहा है, क्या लिखा है ग्रंथ में, उनसे क्या मतलब है? ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या सपा में छिड़ी मानस वाली जंग पार्टी में दो फाड़ करा देगी या प्रदेश कार्यकारिणी के साथ खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज कानपुर के अग्निकांड की ब्लैक थ्योरी और सियासत के नॉन स्टॉप शोले की, क्योंकि कानपुर देहात के मंडोली में जो हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने के नाम पर मां बेटी की मौत हो गई और पूरा सिस्टम तमाशबीन बनकर सब देखता रहा। इस घटना के बाद सियासत उबाल मार रही है। अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव, राजभर से लेकर कांग्रेस ने सूबे की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। कार्रवाई के नाम पर 11 नामजद समेत 23 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लेकिन JCB ड्राइवर और लेखपाल को छोड़कर कोई भी बड़ी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। जब निकले तो JCB की शुरुआत ही नहीं। कानपुर अग्निकांड की ब्लैक थ्योरी, सियासत के नॉन स्टॉप शोले, धू धू करके लोग जल गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो जिन्होंने ये बयान दिया कि ग्राम समाज की जमीन पर उन्होंने मकान बना रखा था। अधिकारी अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, अपने बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए गांव में ये कर दिया, यहाँ उजाड़ दिया, अब उजाड़ दिया तब चलो जी। अग्निकांड में माँ बेटी की मौत, दिल दहला देने वाली घटना का जिम्मेदार कौन? जिन भी ऑफिसर्स की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की लापरवाही पाई जाएगी, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण हटाने के नाम पर मौत का खेल चूक या सिस्टम फेल?
कानपुर के मंडौली गांव में अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो अग्निकांड हुआ उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि जिस तरह से इस घटना में एक माँ और उसकी बेटी की जलकर मौत हुई उस पर सियासत इस कदर गर्म है कि समूचे विपक्ष ने लामबंद होकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने इसे सत्ता के अहंकार में एक परिवार को भस्म करने वाला बताया तो शिवपाल यादव ने इसे अतिक्रमण हटाने और बुलडोजर के जोश में होश खोने वाला बताया। वहीं समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अपना डेलीगेशन भेजा था जिसे पुलिस ने कानपुर देहात पहुंचने से पहले ही रोक दिया, जिसके बाद सपा विधायक मनोज पांडे अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। धू धू करके लोग जल गए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो जिन्होंने ये बयान दिया कि ग्राम समाज की जमीन पर उन्होंने मकान बना रखा था। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अरे आप उन्हें नोटिस देते, लीगल आपका प्रोसेस है, आप उनके ऊपर मुकदमा चलाते, मुकदमा चलाने के बाद अगर जरूरत होती तो उनको आप हटाते। इसी तरह कानपुर के आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और कानपुर कैंट से विधायक रूमी हसन को कानपुर पुलिस ने बॉर्डर पर रोक दिया। दोनों पीड़ित परिवार से मिलने कानपुर देहात जा रहे थे। वहीं औरैया से सपा विधायक प्रदीप यादव भी रोक लिए गए तो कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी को भी जालौन हिरासत में ले लिया गया। यमुना पुल के पास से अरेस्ट किया गया कि आप वहां कानपुर देहात नहीं जाएंगे। हमने कहा उनसे कि या तो आप जेल भेजें या हम अपने कार्यालय में चलते। कानपुर अग्निकांड को लेकर गुस्सा इतना ज्यादा है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं कांग्रेस भी घटना स्थल की तरफ कूच कर चुकी थी, लेकिन पुलिस ने कानपुर देहात के मंडौली जाने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी पीड़ित पक्ष से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें लखनऊ कानपुर रोड स्थित नवाबगंज टोल प्लाजा पर रोका गया। उनके साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे समेत तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद थे। कानपुर में हुए इस अग्निकांड पर सियासत इस कदर गर्म है कि ओम प्रकाश राजभर भी मैदान में उतर आए, जो एक तरफ दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो साथ ही सपा को शूद्र और ब्राह्मण वाले मोर्चे पर घेर रहे हैं। अधिकारी अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, अपने बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए हमने ये कर दिया, यहाँ उजाड़ दिया, अब उजाड़ दिया तब चलो जेल। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये दुखद घटना है। अगर डेलीगेशन जा रहा है तो अच्छी बात है, शूद्र की हैसियत से जा रहे हैं कि ब्राह्मण की हैसियत से जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर ये घटना घटी और इसके बाद हड़कंप मच गया सत्ता के गलियारों में। तमाम राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को तुरंत, ये कह सकते हैं कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार की निरंकुशता की बात कही, सरकार पर निरंकुशता के आरोप लगाए गए और सियासत भी जमकर हो रही है। वही चौतरफा सियासत को देख सरकार फुल एक्शन में है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने पीड़ित परिवार को वीडियो कॉल कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह हमारी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के, आप हमारे भाई हो, हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता, बहुत दुखद घटना है। कानपुर के इस अग्निकांड ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या कब्जा मुक्त कराने के नाम पर लोगों को जिंदा जला दिया जाएगा और सिस्टम खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा? क्योंकि जिस वक्त माँ बेटी जल रही थी पुलिस तमाशबीन बनी थी, किसी ने उन्हें बचाने तक की कोशिश नहीं की। एसडीएम लेखपाल कानून को और गांव के कुछ 10-12 लोग दबंग और एसओ एसएचओ रूरा और कुछ पुलिस ऐसे 10-12-15 पुलिस बल आके हम लोगों को यहाँ पे जेसीबी मतलब आग लगा के जेसीबी से दबा दिया। इसमें मैं खुद भी झुलस के मतलब कैसे करके मैं निकला हूँ और मेरे पापा निकल आए, पापा का थोड़ा जल गए हैं काफी। वही कार्रवाई के नाम पर 11 नामजद समेत 23 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लेकिन जेसीबी ड्राइवर और लेखपाल को छोड़कर कोई भी बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि SDM ज्ञानेश्वर प्रसाद, रूरा SHO दिनेश कुमार गौतम, लेखपाल अशोक सिंह, जेसीबी ड्राइवर दीपक, मणौली गांव के रहने वाले 4 लोग अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, निर्मल दीक्षित और विशाल समेत 3 अन्य लेखपाल और 12 से 15 महिला और पुरुष पुलिस वालों पर धारा 302, 307, 436, 429, 323 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन इस दिल दहला देने वाली घटना ने पीड़ित परिवार की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी।
उसको स्थानीय प्रशासन को तत्काल उसको उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और ऐसे मांगे जो शासन स्तर पे होने हैं निर्णय उस पर उसके लिए कोरिंग लेटर लगा के शासन को भेजने के लिए ताकि उस पर शीघ्र ही कार्रवाई वहाँ पे जो है शासन स्तर पे भी की जा सके। वहीं कमिश्नर के सामने 5 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया है जिसमें परिवार ने 5 करोड़ रुपए मुआवजा और घर के दोनों बेटों के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। इसके साथ ही सीएम योगी से तत्काल प्रभाव से मुलाकात की भी मांग की गई है ताकि वो न्याय की गुहार लगा सके। परिवार ने अपने लिए आजीवन पेंशन की मांग रखी है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जो मांग पीड़ित परिवार की है वो पूरी होगी और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या मुआवजे के पैसे से उजड़ गई दुनिया फिर से बस जाएगी। ये वो तमाम सवाल है जो इस वक्त पूरे सिस्टम के सामने खड़े हैं। कानपुर देहात से विकास धीमान के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बात करेंगे ऑपरेशन तजाकिस्तान की, क्योंकि तजाकिस्तान में भारत के करीब 200 लोग फंसे हुए हैं जो वतन वापसी के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इनमें 28 लोग गोरखपुर से हैं। तजाकिस्तान में फंसे ये लोग बंधुआ मजदूर के तौर पर मजबूरन काम कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि तजाकिस्तान पहुंचते ही धोखे का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन तजाकिस्तान, वतन वापसी का इंतजार। सीएम योगी से लगाई गुहार, मदद करो सरकार। भारत के कई दर्जन लोग तजाकिस्तान जाकर बुरी स्थिति में फंस गए हैं। अब वो सरकार से वतन वापसी के लिए गुहार लगा रहे। ये लोग एजेंट के जरिए नौकरी करने तजाकिस्तान गए थे। इनकी संख्या करीब 200 के आसपास है। इनमें से ज्यादातर ड्राइवर हैं जो यूपी बिहार झारखंड के रहने वाले हैं। इनमें करीब 28 लोग अकेले गोरखपुर के हैं। गोरखपुर प्रशासन से खास करके आग्रह है कि हम लोग गोरखपुर जो ऑफिस है न्यू ग्लोबल, हम लोग उसी के माध्यम से आए हुए हैं। फ्री का टिकट, फ्री का वीजा, फिर भी हम लोगों से 1,10,000 रुपया लिया है। तो सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारी वीडियो को चलाएं और इंडिया सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए, हमें हमारे वतन बुलाया जाए। तजाकिस्तान में फंसे ये लोग बंधुआ मजदूर के तौर पर मजबूरन काम कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि तजाकिस्तान पहुंचते ही धोखे का सामना करना पड़ा। इन लोगों को तय वादे के मुताबिक सुविधाएं नहीं मिली। ड्राइवरों से वो काम करवाए गए जो पहले उन्हें नहीं बताए गए थे। ये सभी ड्राइवर बेहद ठंड में काम कर रहे हैं। कई बार तो यहाँ का तापमान माइनस में पहुँच जाता है। इन ड्राइवर्स के बनाए हुए कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो लाखों रुपए खर्च कर तजाकिस्तान पहुँचे थे। सैलरी के नाम पर धोखा मिला। ज्यादातर लोग 1,00,000 रुपए से ज्यादा पैसे खर्च कर विदेश पहुँचे। इन लोगों ने कहा कि 500 अमेरिकी डॉलर देने की बात की गई थी लेकिन सैलरी भी स्थानीय मुद्रा में दी जा रही। इन लोगों ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय, यूपी सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। करीब 60 ड्राइवरों ने मोबाइल नंबर के साथ लिस्ट भी शेयर की है। यूपी के देवरिया के रहने वाले मोइनुद्दीन अहमद भी उन ड्राइवरों में शामिल हैं जो तजाकिस्तान के रोगून में फंसे हुए हैं, जो वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।